उत्पादन की प्रक्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ऊर्ध्वपातन। हमें पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जब ठोस अवस्था में है और अगर उस पदार्थ को हम ऊष्मा दे देते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलने लगता है और द्रव अवस्था से ऊष्मा देने पर वह गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, अर्थात ऊष्मा पाकर अवस्था का परिवर्तन होने लगता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तापमान बढ़ता है तो ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से वह गैसीय अवस्था में जाने लगता है, और ठीक उसी समय यदि शीतलता आती है, तापमान में कमी होती है, तो ऐसे में वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि ठोस ऊष्मा लेकर या ताप बढ़ेगा तो द्रव में बदलेगा और ताप बढ़ेगा या ऊष्मा लेगा तो वो गैसीय अवस्था में जाएगा। जब ठंडा होता जाएगा तो गैसीय से द्रव और द्रव से पुनः क्या होगा, ठोस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन जो है, सब्लिमेशन, एक अलग तरह की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच की स्टेप है द्रव अवस्था वाली, ये बीच की स्टेप हट जाती है, मतलब इसको बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास कैसे कर दिया जाता है कि गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सभी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, वो गैस अवस्था में बदल जाते हैं। आपने जैसे ठोस अवस्था में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें आपने गर्म किया, जैसे कपूर है, ठीक है, कपूर है, नेफ्थलीन है ना, इनको अगर आपने ठोस अवस्था में गर्म किया तो ये ठोस अवस्था से सीधे क्या करेंगे, ठोस अवस्था से ये सीधे क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। और अगर इन्हें आपने ठंडा किया या ठंडे इनको शीतलता प्रदान की, ठंडा किया, तो ये फिर से जो है गैसीय अवस्था से कहाँ आ जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। मतलब ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे, ठोस से सीधे गर्म किया तो गैसीय अवस्था में और गैसीय अवस्था से अगर ठंडा हुआ तो सीधे ठोस अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को, ये जो ठोस से सीधे गैस बनने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना, सब्लिमेशन, कि ठोस से सीधे गैस बन गया, द्रव नहीं बना, है ना। तो ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ जैसे आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो अभी हमने कपूर का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश की थी कि कपूर जो है अगर ठोस अवस्था में है और अगर आपने उसको ऊष्मा दी या गर्म किया तो वो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, मतलब वो द्रव अवस्था में नहीं आता है। तो ये जो बात है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में और अगर वापस से अगर आपने ठंडा किया तो गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आता है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो पदार्थ हैं, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां निकल कर आती है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्या उसका संबंध भी ऊर्ध्वपातन से है? तो इसका जवाब यह है कि जब आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, तैयार होता है, तो वो उसका जब कलेक्शन होता है वो उच्च दाब पर होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, लेकिन जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो फिर ये क्या है कि जो ठोस CO2 है ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर भी देखिए ठोस CO2 और ठोस CO2 सीधे किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में बदल गया, मतलब ये ऊर्ध्वपातन का गुण उसने प्रदर्शित कर दिया। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी कारण से शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अरे हाँ, आपने ये नेफ्थलीन की जो बॉल्स हैं इनको तो आपने देखा होगा, है ना, सफेद सफेद गेंदे, गेंदों जैसा ये नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। और आपने देखा होगा कि नेफ्थलीन बॉल्स को कहीं पे हम डालते हैं या रखते हैं तो थोड़े समय बाद ये क्या होती है, गायब हो जाती है वहां से। मतलब नेफ्थलीन को अगर आप रखा रहने दें तो कुछ समय बाद ये, मतलब कुछ भी ठोस पदार्थ वहां नहीं बचता, वो गायब ही हो जाती है, मतलब कुछ भी ठोस पदार्थ थोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो उसका
क्या कारण है, क्योंकि इसमें इसमें जो नेफ्थलीन है इसमें भी ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, तो जब नेफ्थलीन को ऊष्मा मिलती है तो जो ठोस है ये ठोस सीधे गैस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब ठोस सीधे गैस में बदले, है ना, आप समझ गए कि द्रव अवस्था को बाईपास करना है, मतलब ठोस सीधे अगर गैस में बदले तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन है। और ऐसा नेफ्थलीन की बॉल्स में भी होता है कि ये जो ठोस नेफ्थलीन बॉल्स है वो सीधे किस में बदल जाती हैं, वो सीधे गैस में बदल जाती है और वहां से वो गायब हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि यार ये नेफ्थलीन बॉल्स यहाँ पड़ी थी और कहाँ चली गई, गायब हो गई है। तो ऐसा ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहने का भी यही कारण है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो जाता है तो जो ठोस CO2 है वो सीधे गैस में बदल जाता है ना, तो वो सीधे किस में बदलता है, गैस में बदल जाता है। तो हमने ऊर्ध्वपातन में सीखा कि ठोस अवस्था से सीधे अगर गैसीय अवस्था में चले गए या गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में अगर आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन है। चलिए बहुत बढ़िया एक उदाहरण लेते हैं जो पुस्तक में भी दिया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन समझाइए। तो सपोज मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन आपको समझा रहा है, ठीक है, तो वो ये हो गया इसका ऊर्ध्वपातन। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप भी सोच लीजिए, गर्म करना पड़ेगा, एक बर्तन लेना पड़ेगा, उसमें कपूर या अमोनियम क्लोराइड को रखना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये सीधे वाष्प में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, फिर ठंडा होने पर ठोस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ रहे। ठोस लेंगे, ठोस अमोनियम क्लोराइड या ठोस कपूर लेंगे, गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी, ठंडा होगा, ऊपर जाने पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से ठोस बनना चाहिए, बस बात खत्म। इतना हो जाए तो आप कह दीजिएगा कि हमने ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित कर दिया। तो हमने यहाँ क्या किया है, हम जो ले रहे हैं वो क्या है कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे, चीनी मिट्टी की प्याली है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हमने अमोनियम क्लोराइड या कपूर का हम यहाँ चूर्ण ले रहे हैं, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड या कपूर का आपने चूर्ण ले लिया। अब मैं बार बार कपूर नहीं कहूंगा, अमोनियम क्लोराइड से ही बात करूंगा। तो अमोनियम क्लोराइड या कपूर का आपने यहाँ चूर्ण ले लिया चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर, ये चीनी मिट्टी की प्याली है और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ले लिया। फिर क्या किया, कीप लिया आपने इस तरीके से, कीप लेके कीप को उल्टा जो है इस प्याली के ऊपर उल्टा ढक दिया है इस कीप से, ठीक है, ये उल्टा आपने इसको इस पर रख दिया, ठीक है, और बर्नर की मदद से, है ना, चीनी मिट्टी की प्याली मतलब वही चाइना डिश है ना, ये चाइना डिश है, ये रेड में जो दिख रहा है आपको ये चाइना डिश है, और चाइना डिश के अंदर या चीनी मिट्टी की प्याली में क्या लिया आपने, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण लिया और उल्टी क्या रख दी इस पे, कीप रख दी, फनल को इस पे उल्टा रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब बर्नर की मदद से आपने क्या किया, आपने बर्नर की मदद से क्या किया, इसको आप धीरे धीरे चाइना डिश को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्नर की मदद से आप इस चाइना डिश को गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए आप, और उस जब आप गर्म करेंगे उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह इसको देखिए आप, ये यहाँ एक जो रुई है ना, उस रुई को आप यहाँ पे इस तरीके से एक टुकड़े को यहाँ इस तरीके से फंसा देंगे ताकि ये जो है बाहर नहीं निकलने पाए, यहाँ से जो भी वाष्प वगैरह होगी तो वो बाहर नहीं निकले, इसलिए रुई का टुकड़ा आपने यहाँ लगा दिया और ये उल्टा रखा हुआ कीप हो गया, ठीक है। पूरी व्यवस्था मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये बर्नर हो गया, यहाँ ये हमारा बर्नर है, बर्नर के बाद में यहाँ ये स्टैंड है, ये बर्नर हो गया, ये बर्नर है, ये स्टैंड है, ये चीनी मिट्टी की प्याली है, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण ले लिया आपने, उल्टा कीप रख दिया, रुई का टुकड़ा ऊपर से लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या, देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ हमने क्या क्या किया, ठीक है, और ये सब क्यों किया हमें पता है, हमने मात्र इसलिए किया है कि हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या होगा, ये वाष्प में बदलेगा, ठंडा होगा तो ये वापस काई में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, तो हम कह देंगे इसने ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित कर दिया। हम भी जानते हैं कि जब आप कपूर को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदलेगा और अगर आप मान लीजिए ऊपर आपने उसमें उसकी वाष्प को इकट्ठा करने की कोशिश की तो वो फिर से ठोस में बदल जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड या कपूर के ऊर्ध्वपातन का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन प्रयोग को चूंकि हमें प्रदर्शित करना होता है इसलिए उसको व्यवस्थित तरीके से देखिए, आप चित्र के माध्यम से हमने प्रदर्शित किया है कि आपने अमोनियम क्लोराइड का या कपूर का चूर्ण आपने एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिया है, ये चीनी मिट्टी की प्याली रेड वाली, और ये यहाँ देखिए ये इस तरीके से मैंने अमोनियम क्लोराइड या कपूर के चूर्ण को दर्शाया, आप भी एग्जाम में ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर कीप को आपने यहाँ उल्टा रख दिया और रुई का टुकड़ा आप इस तरीके से यहाँ लगा दीजिएगा ताकि ये पैक हो जाए, और यहाँ आपने ये बर्नर और ये स्टैंड आपने लिया हुआ है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ देखिए ये यहाँ क्या होगा, ये वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड ये यहाँ आएगा, ये वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड इस तरीके से ये ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है ना, तो ये वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, मतलब द्रव नहीं बनेगा, अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण जब आप यहाँ इसको गर्म करेंगे चाइना डिश को तो ये द्रव नहीं बदले बनेगा बल्कि ये वाष्प बनकर इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये यहाँ ऊपर जाने पर ये ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये यहाँ इस तरीके से ये आपका ठोस
अवस्था में ये इस बर्तन की दीवार के ऊपर यहाँ ये लग जाएगा। ये यहाँ देखिए बर्तन की दीवार पर ठोस अवस्था में अमोनियम क्लोराइड आपका जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कीप है इसकी आंतरिक दीवार के ऊपर ये अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो इससे आप समझ गए कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड या कपूर के चूर्ण को ठोस अवस्था में आपने उसको गर्म किया तो वो वाष्प बना, और वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने पर थोड़ा ठंडा हुआ तो ठंडा होकर वापस वो ठोस अवस्था में बदल गया। तो क्या हुआ क्या हुआ, देखिए आप कि ठोस अमोनियम क्लोराइड फिर वो ठोस अवस्था से किस में बदला, गैस अवस्था में, ठंडा करने पर वो किस में बदल गया, वापस ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसे ही तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये ऊर्ध्वपातन हो गया अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन। आप इस प्रयोग को अगर आपको अमोनियम क्लोराइड या कपूर के प्लेस पर नेफ्थलीन, आयोडीन या एंथ्रासीन वगैरह कुछ भी कहें तब भी आपको इसी तरीके से इस प्रयोग को संपन्न करना है। केवल शब्द बदल देना है यहाँ पर, या तो अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन या एंथ्रासीन, इस तरीके से आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। और हाँ, एक और मजेदार बात मैं यहीं आपको बता देता हूं कि कभी वो कहे कि नमक को इन सब पदार्थों से, मतलब अमोनियम क्लोराइड या कपूर या इनसे अलग करना है, तो नमक और कपूर का मिश्रण है, मान लीजिए नमक या अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है और पृथक करना है, पूरा प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर रहेगा। और अमोनियम क्लोराइड इस तरीके से पृथक हो जाएगा, नमक यहां रह जाएगा। तो यह हमारा अमोनियम क्लोराइड या कपूर का ऊर्ध्वपातन है।